Hey, hello everyone. Good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel Arthur English Research Center. My dear friends, आज जो है हम लोग फिर से कुछ important note और ही है totally लगभग almost 30 to 15 nouns और है जो बचा हुआ है उनको भी हम लोग एक कर करके देख लेंगे. आज भी 6 देख लेंगे और अगले वीडियो में भी 6 देखें. उसके बाद टोटली करके आपको इम्पोर्टेंट नाउन जो होते हैं जिसका पुलर जो आप जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. इसके बाद हम लोग चलेंगे कि बेसिक रूल इसका एडवांस रूल देखेंगे कि कैसे कैसे हम नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इन सभी बातों को हम वन बाई वन करके देखते जाएंगे और एक एक वीडियो में हम इसी तरह डिस्क्राइब करते जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आते जाएंगे. तो आज का है फिर से आज हम दो वर्ड यहाँ लिखें ताकि आपको समय कम लगे. फिर आगे तो फिर हमको तो लिखना ही है. तो उसी तरह फिर आज का से दो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर इसके बाद हम अपने खुद से लिखेंगे. उसके बाद यहाँ भी खुद से ही लिखे. इसका मतलब ये नहीं खुद से बोले तो ये मत समझिए कि खुद से ही नहीं लिखे. खुद से ही लिखे लेकिन आपको आसानी के लिए वीडियो छोटा हो इसके लिए दो नाउन यहाँ लिख देते हैं. उसके बाद 4 या 5 जितने भी नाउन होंगे उनको हम एक एक करके यहाँ पर लिखे आपके सामने में बताएंगे. तो अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा देंगे क्योंकि हम आपके ही सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे. तभी हमको कॉरेज मिलता है, साहस मिलता है और करने का एक जुनून मिलता है. तब आपको आसानी से हम आपको वीडियो एक एक करके हम आपको पूरे बुक जैसे हम प्रॉमिस किए हैं कि पूरा बुक को कंप्लीट कराएंगे, पूरा बुक कंप्लीट करवाएंगे. तो अगर आप भी अगर आपके पास बुक नहीं होंगे तो बुक खरीद लेंगे. और आपको बता दूँ कौन सा बुक है तो लुसेंट का है ना, ये बुक है लुसेंट का, जनरल इंग्लिश है. ये बुक आप भी खरीद लेंगे और एक एक रूल को अभी नाउन से डिस्कस कराएंगे. इसके बाद प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा. इसी तरफ एक एक टॉपिक वाइज हम चैप्टर रूल्स बाय रूल डिस्कशन करेंगे, अपने अंदाज में करेंगे ना कि किताबी अंदाज में करेंगे. किताबी अंदाज में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ लिख देता है लेकिन पता नहीं चलता है कि कैसे यूज करते हैं. तो हम इसी तरह हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूर आप प्लीज रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, है ना. तो जरा चलिए आज की हम क्लास में चलते हैं कि आज की हम जो नाउन्स ऑफ वर्ड जो इम्पोर्टेंट नाउन हम आपको लिस्ट दिए थे करेक्ट 30-25 के ऑलमोस्ट दिए थे उन सभी नाउनों को हम देखते जा रहे हैं वन बाय वन करके. तो आज के जो फर्स्ट नाउन है वो फर्स्ट नाउन है लेटर. क्या है? लेटर है. लेटर का मतलब क्या होता है जरा ध्यान दें. लेटर का मतलब पत्र भी होता है, अक्षर भी होता है और बुद्धिमान भी होता है, है ना. क्या होता है? बुद्धिमान होता है. बुद्धिमान भी होता है. आप कैसे बुद्धिमान होता है जरा ध्यान दे, सॉरी यहाँ स्क्रेच लग गया. बुद्धिमान कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए. जब लेटर का प्रयोग अगर पत्र या अक्षर के अर्थ में होते हैं तो ये सिंगुलर, क्या बोले, सिंगुलर और प्लुरल नाउन बनने के लिए तैयार रहते हैं और ये अपने वर्ब के यानी अपने कार्य के अनुसार ये वर्ब सिंगुलर वर्ब या प्लुरल वर्ब लेते हैं. कोई का चलिए. लेकिन जब वही अगर लेटर का प्रयोग अगर बुद्धिमान के अर्थ में होते हैं तो लेटर में एस जोड़ दिया जाता है यानी वो लेटर्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं मेरे भाई मेरे बंधु? लेटर्स बन जाते हैं जिसका मतलब होता है बुद्धिमान और ये हमेशा हमेशा प्लुरल होते हैं, प्लुरल हो जाते हैं. अब वर्ब कैसे लेते हैं? प्लुरल लेंगे. वर्ब कैसा लेगा? वर्ब जो होगा इसका प्लुरल होगा, है ना. ये इस तरह यूज होते हैं. जैसे जरा ध्यान दीजिए, जैसे हम अगर बोले कविता सेंट मी अ लेटर हार्डली, कविता ने पूरे तह दिल से एक लेटर लिखा या भेजी है मुझे. तो यहाँ पे जो लेटर यूज किया गया है ना, यहाँ जो लेटर यूज किया गया है वो पत्र के अर्थ में यूज किया गया. किस अर्थ में? पत्र के अर्थ में यूज किया गया. ये अगर इसी लेटर को अगर हम ये लेटर लेटर्स में भी बदल सकता है अगर वो लिख दे अगर वो बोल दी रहती कि कविता सेंट मी टू लेटर तो आप यहाँ पे लेटर्स भी कर सकते थे, है ना. लेकिन यहाँ पे ए है तो ए के बाद जब भी आएंगे वो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद जब भी आते हैं वो ए और एन आर्टिकल के बाद जब भी आएंगे सिंगुलर नाउन आएंगे.
क्या आएंगे? सिंगुलर नाउन आएंगे, तो ए के बाद सिंगुलर नाउन लेटर है, तो लेटर सही है, यानी ये सेंटेंस सही है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि देयर इज अ वर्ड, एक शब्द है, कौन सा शब्द है? एप्पल, यानी सेब है, विच हैज फोर लेटर या लेटर्स। जरा ध्यान दे, अगर हम यहाँ पे अगर लेटर लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो क्या सही होगा? लेटर सही होगा या लेटर्स? हम आपको बताए हैं कि लेटर का प्रयोग जब पत्र और अक्षर के अर्थ में होता है, जब पत्र का अक्षर यानी लेटर का प्रयोग अगर पत्र और अक्षर के अर्थ में होता है तो वो प्लुरल और सिंगुलर बनने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो सिंगुलर प्लुरल वर्ब भी लेते हैं। तो उसी तरह कि देयर इज अ वर्ड एप्पल, यानी एक शब्द है एप्पल, जिसके पास कितने शब्द है, कितने शब्द है? तो फाइव लेटर है या लेटर्स है? तो लेटर्स है। इसके साथ आप हमेशा फाइव के साथ यानी लेटर्स यूज करेंगे, क्योंकि एक से अधिक है तो यहां पर लेटर्स होगा, ना कि लेटर, है ना? लेटर्स सही। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, जब ये बुद्धिमान के अर्थ में यूज होते हैं, यानी लेटर का प्रयोग जब बुद्धिमान के अर्थ में यानी एरुडाइट होते हैं, यानी कि स्कॉलर के अर्थ में होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में होते हैं, तो कैसे? कहते हैं स्वामी विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ लेटर। ध्यान दीजिए, यहां एक लॉजिक समझिए, ये जो लेटर है, ठीक है, लेटर का प्रयोग पहले लिटरेचर में, किसमें? लिटरेचर में, लिटरेचर में साहित्य, लिटरेचर यानी लिटरेचर में, पहले की जाना लिटरेचर में साहित्य यानी एक साहित्य के अर्थ में यूज होते थे। किस अर्थ में? लिटरेचर के अर्थ में यूज होते थे, लेटर का प्रयोग होते थे। और वो जो लेटर के ज्ञाता होते थे ना, जो लेटर के ज्ञाता होते थे, उसी को लेटर्स यानी वहां जो लेटर्स के जो पहले के जमाना में ही यानी लेटर का मतलब ही वहां तक लिटरेचर हो जाता था, साहित्य हो जाता था। लेकिन अभी उसको मॉडर्नाइजेशन यानी हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर में जो लेटर है वो लेटर को, वो लेटर वहां पे साहित्य का अर्थ देता था, लेकिन अभी ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या किया है, तो लेटर को जिसको साहित्य के बारे में बहुत बहुत ज्ञान हो, वो फिलोसफी हो, फिलोसफर हो, यानी दार्शनिक बात के बातों के बहुत ही ज्ञाता हो, तब हम उसे लेटर्स कह दिए जाते हैं। तो इसीलिए लिटरेचर से ही बन गया लेटर्स, जिसका मतलब बुद्धिमान होता है। जो व्यक्ति साहित्य के नॉवेल के ड्रामा के उसके पास ऑथेंटिक ज्ञान हो, उसके बाद फिलोसफी दार्शनिक बातें यदि मॉरल बातें नैतिक बातें करते हो, तब हम लेटर उस व्यक्ति को लेटर्स कहते हैं यानी विद्वान कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला गया, लिखा गया कि स्वामी विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। वो क्या है? मैन ऑफ लेटर्स है, विद्वानों का बहुत बड़ा, विद्वानों में से एक विद्वान है, बहुत। तो समझ में आ गया कि यहां पर लेटर नहीं होगा, लेटर्स का प्रयोग होगा, है ना? तो ये समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्राउंड। क्या है ग्राउंड? ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान, ग्राउंड का मतलब भूमि, कारण भी होते हैं। जब ग्राउंड का प्रयोग भूमि और कारण के अर्थ में हो तो ये सिंगुलर, क्या सिंगुलर और प्लुरल बनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और वह भी अपने अर्थ के अनुसार वह भी लेते हैं सिंगुलर प्लुरल। कोई दिक्कत मेरे भाई मेरे बंधु? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में करके बताएंगे, है ना? कि अगर ग्राउंड का प्रयोग भूमि और कारण बताने के लिए हो तब वो सिंगुलर प्लुरल बनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब ग्राउंड का, ग्राउंड से अगर आप कोई फील्ड यानी जो आप स्कूल के लिए जो जिस ग्राउंड में आप खेलने के लिए जाते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, वहां अगर उस ग्राउंड की बात हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये यूज होते हैं, अगर इस अर्थ में यूज होंगे तो ये ग्राउंड यूज, ग्राउंड से यूज होते हैं। क्या होते हैं? ये ग्राउंड से यूज होते हैं। ये जी है बाबू, Y जो होते हैं वो Y ऐसे लिखते हैं, ये पूरा गावर आते हैं, लेकिन ग्राउंड में ये वाला जो पढ़ाता है ना,
इस तरह यहाँ भी देख सकते हैं, या आप ऐसे चाहे वैसे भी लिख सकते हैं, यानी जब फील्ड और तलछट क्या होता है, जैसे जाने जब आप चाय पीते हैं, है ना, क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और इसके ऊपर जो छाली जम जाते हैं, जिसको अपने अपने आप लोग हम लोग छाली बोलते हैं, और वो छाली जम जाते हैं तो उसे तलछट कहते हैं, और उसको बताने के लिए ग्राउंड्स का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि ग्राउंड का प्रयोग किए जाते हैं। ग्राउंड का प्रयोग दो ही अर्थ में किया जाएंगे, या तो भूमि होंगे या कारण बताने के लिए ही, कारण के अर्थ में ही सिंगुलर नाउन के रूप में ग्राउंड का प्रयोग होते हैं, जबकि उसमें एस जोड़ देने से वह ग्राउंड्स हो जाते हैं, जिसका मतलब फील्ड और तलछट हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि ही क्या, ही हैज नो ग्राउंड टू कंप्लेन, ही हैज नो ग्राउंड टू कंप्लेन, उसके कारण उसके पास कोई कंप्लेन, उसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं, कारण नहीं है, कारण यहां कारण के अर्थ में कारण नहीं है, क्या करने के लिए, शिकायत करने के लिए, शिकायत करने के लिए उसके पास कोई कारण है ही नहीं, तो यहाँ पे ग्राउंड के अर्थ में सॉरी कारण के अर्थ में ग्राउंड का यूज हुआ है। अगर यहाँ पर अगर एस हम इसमें जोड़ दिए रहते तो ये गलत हो जाते हैं, इसीलिए हमको एस काटना पड़ेगा, क्या बनना चाहिए, ग्राउंड होगा। लेकिन जब ध्यान, ये कारण के अर्थ में हुआ, अब भूमि के अर्थ में देखिए कि योर हाउस हैज अ लार्ज एंड प्लीजेंट ग्राउंड, है ना, आपके घर के पास, यानी आपके जो घर होते हैं, आप घर के आगे जो ग्राउंड खाली जगह होते हैं, है ना, जहां पे आप लोग कभी कभी बैठ के अपनी वाली को लेके चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जब आपके घर के आगे में जो होते हैं उन्हें ग्राउंड कहे जाते हैं, है ना, तो वही ग्राउंड होते हैं कि आपके घर के पास, यानी पास में या घर तक, घर में आपके घर के पास एक बहुत से सुंदर से एक बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड है। अगर वो ग्राउंड का मतलब समझ गए होंगे कि ग्राउंड जो है कौन सा ग्राउंड की बात करें, यानी आप अपने भाषा में कहे तो वो आंगन होते हैं, उनके लिए ग्राउंड का प्रयोग किया जाता है, ना कि ग्राउंड्स का। तो यहां पर अगर हम एस जोड़ दिए रहते तो ये एस गलत हो जाते, क्योंकि आंगन के अर्थ में, यानी जब घर ये भूमि हुआ, जब आपके घर के आगे में जो जमीन खाली खाली होती है, खाली होते उसके लिए ग्राउंड का यूज करते हैं, ना कि ग्राउंड्स, है ना। तो इस समय आप समझ गए होंगे। अब बात बनती है कि जब देखिए, जब फील्ड की बात होते है, जब ग्राउंड, वो ग्राउंड ग्राउंड जब ग्राउंड जब आपके घर के आगे जो जगह रहते हैं उसको ग्राउंड बोले जाते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे कि ग्राउंड जो हम लोग खेलने के लिए जाते हैं वो कौन सा, वो बाबू ग्राउंड नहीं होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, है ना। तो ग्राउंड्स होते हैं, जरा ध्यान दीजिए कि देयर इज अ लार्ज ग्राउंड या ग्राउंड्स नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास एक ग्राउंड है। आप जरा ध्यान दीजिए, वहां पे ग्राउंड है या ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स है। वहां पे ग्राउंड आप कभी नहीं लिखेंगे, जब भी बात बोलेंगे तो ग्राउंड्स बोलेंगे, क्योंकि ग्राउंड्स का मतलब ही होता है फील्ड या प्ले ग्राउंड्स होते हैं, है ना। तो आपको ये समझे, और ध्यान रहे ये जो है प्लुरल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाउन ही होते हैं, प्लुरल के अर्थ की प्लुरल ही बन जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बात बनती है कि हम तेल छट इसके तलछट के रूप में कैसे यूज करेंगे। वी शुड नॉट ड्रिंक द टी ग्राउंड्स, हम लोगों को चाय, वह चाय नहीं पीने चाहिए जिसके, वह चाय के जो ऊपर में जो तलछट जम जाती, छाली जो पड़ जाती है, वो वाले छाली हमको नहीं पीने चाहिए, तो इसीलिए ग्राउंड्स यूज किया गया, है ना। तो आपको लेटर और ग्राउंड में दोनों में फर्क पता चल गया होगा कि कैसे यूज कर, आपको समझ में आ गई है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। तो मिटा दे मेरे भाई, मेरे बंधु, चलिए मेरे भाई मेरे बंधु, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कमेंट कर देंगे। चलिए हो गया,
अब हम लोग अगले वर्ड देखेंगे कि अगले वर्ड है क्या। अगला वर्ड है क्या, अगला वर्ड है एडवाइस। क्या है? एडवाइस है। एडवाइस हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन वहां पे वर्ब और नाउन के अर्थ में बताएं कि कैसे यूज होते हैं। और यहां पे देखेंगे कि जब ही जैसे ही हम एडवाइस में एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, है ना। तो बाबू उसको हम बताए थे कि जैसे ही अगर वो एडवाइस में अगर एस जोड़ते हैं तो वो एडवाइस का मतलब समाचार हो जाता है, है ना। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि द एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम ए सुपॉल आर नॉट गुड। कहता जो सूचनाएं सुपॉल से मिला है वो अच्छी नहीं है। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, उसने मुझे बहुत सलाह दिया। द पब्लिशर गिव मी गुड एडवाइस, पब्लिशर ने मुझे अच्छी सलाह दी। तो ये होते, इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। जरा आप लोग ध्यान देंगे, एडवाइस है ना। जब हम आपको बताए थे कि एडवाइस का प्रयोग अगर वर्ब के रूप में होते हैं तो ये एडवोस एडवाइस का स्पेलिंग जो होते हैं ADVISE हो जाते हैं, लेकिन जब एडवाइस का प्रयोग ये होता है वर्ब के रूप में होता है, किस रूप में? वर्ब में, लेकिन नाउन के अर्थ में होते हैं तो ये रहते हैं ना, ये नाउन के अर्थ में ये यूज होते हैं, है ना। उसके बाद अगर एडवाइस में, इस एडवाइस में अगर हम एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं मेरे भाई? एस जोड़ते हैं तो इसका मतलब समाचार हो जाता है, समाचार हो जाता है या सूचनाएं भी हो जाता है ना। तो ये होते हैं, और ये सलाह का, ये सलाह होते हैं। तो हमको एक एग्जाम्पल, हम लिख रहे हैं तीन एग्जाम्पल लिखेंगे, आप जरा हमको बताइएगा, है ना। He advised me to obey our parents. उसने मुझे सलाह दिया कि माँ बाप की पालन आज्ञा का पालन करना चाहिए या उनकी देखभाल करना चाहिए, केयर करनी। यहां पर हम केयर भी लगा, केयर करनी चाहिए। ये हो गया एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जरा ध्यान दीजिए। ही गेव मी अ लॉट्स ऑफ एडवाइस टू स्टडी। उसने मुझे पढ़ने के लिए बहुत सी सलाह दी है। क्या दिए? बहुत से सलाह दिए। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए। द एडवाइस विच was given me from Gaia was not good। वो अच्छे नहीं है। तो ये तीन सेंटेंस है, तीनों में फर्क बहुत ही, और ये जो एडवाइस है मोस्ट VVI वर्ड है। बार बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए, बार बार पूछे गए हैं। तो इन तीनों सेंटेंस को आप ध्यान रखेंगे, और एडवाइस का ये यूज जो है तीन तरह से किए जाते हैं। आपके बुक में आपको हम बता चुके हैं कि बुक में कैसे हम आपको फर्स्ट भी आप यूज बताते हैं बुक से, और उसके बाद हम बताते हैं कि हम आपको, आप इसे समझ कैसे सके, उसे आसानी तरीके से हम आपको बताते हैं ताकि आप समझ सके, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवाइस का हम आपको तीन तरह से यूज बताए, और तीनों तरह से हम सेंटेंस दिए हैं, और सेंटेंस में आपको बताना है क्या गलत है क्या सही। तो यहां पे फर्स्ट
कि he advised me. अब जरा ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हैं कि जब भी एडवाइस का प्रयोग कर वर्ब के अर्थ में होता है, किस अर्थ में? वर्ब के अर्थ में यूज होता है. आपको पता नहीं होगा कि वर्ब को अगर हम पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान देखिए, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो भी आते हैं वो वर्ब होते हैं. क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. और वर्ब कितने तरह के होते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं. क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और एक होते हैं मैन वर्ब होते हैं. एक मैन वर्ब होते हैं, है ना. तो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं जो सहायक करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शुड, विल, कुड, ये यूज टू, ये सब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब. मैन वर्ब में जो क्रिया यानी कर्ता, मैन वर्ब में यानी जो परफेक्ट यानी फर्स्ट भी वन होते हैं, जैसे एडवाइस, इसमें कोई हेल्पिंग, इसको सहायता करने के लिए, ये स्वतंत्र वर्ब है, इसीलिए एडवाइस मैन वर्ब है. इतना शॉर्ट में भी समझिए, लेकिन हम आपको बोले हैं कि वर्ब चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वर्ब क्या होते हैं. तो ही के बाद जब भी आते हैं वो वर्ब ही होते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद जब भी आएंगे तो वो क्या होंगे? सब्जेक्ट के बाद जब भी आएंगे तो वर्ब होंगे. तो सब्जेक्ट अगर ही है, उसके बाद जब आए हैं तो एडवाइस. लेकिन हम आपको, मेरे भाई, मेरे बंधु, बताओ कि एडवाइस अगर वर्ब के अर्थ में यूज होते हैं तो advise यूज होते हैं ना, तो advised का क्या जरूरत है? ये तो नाउन है ना, तो नाउन को यूज तो हम यहां नहीं करेंगे, ये गलत हो जाए. इनके जगह क्या होना चाहिए? advised एडवाइस्ड होना चाहिए, है ना. तब ये हमारा सेंटेंस सही होंगे. तो he advised me to buy our parents, उसने मुझे सलाह दिया, सॉरी, उसने मुझे सलाह दिया कि हम लोगों को, मैं अपनी माँ को आज्ञा का पालन करूं, मैं अपनी माँ को देखरेख करूं, है ना. तो ये हुआ इस तरह से, यानी एडवाइस का प्रयोग नाउन और वर्ब के जगह हो जाते हैं. आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए थे. लेकिन आज का मुख्य बात है ये दोनों सेंटेंस पे, कि अगर एडवाइस सिंगुलर है, जिसका मतलब होता है सलाह, अगर हम एडवाइस में एस या ईएसएस जोड़ के अगर प्लूरल बनाते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, जिसका मतलब हो जाता है सूचना. लेकिन यहां पे देख रहे होंगे कि ही गिव मी अ लॉट्स ऑफ एडवाइस, यहां भी क्या किया है? नाउन है. नाउन यानी आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी आते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन आएंगे, है ना. ये जीडन भी नाउन की तरह काम करते थे, जीडन भी आ सकता है. तो यहाँ पे एडवाइस कर दिया है, जो वर्ब है, वर्ब का प्रयोग ये होगा नहीं. अगर यहाँ पे अगर एडवाइसिंग भी कर देता तो ये सही हो जाता, है ना. लेकिन एडवाइसिंग किया नहीं, तो इसके जगह होना क्या चाहिए? एडवाइस होना चाहिए. ये दोनों में से कुछ भी रहता तो ये सही हो जाता. लेकिन जगह अगर दोनों रहता तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे, है ना. तो इस तरह यानी ये आंसर सही होंगे, ये भी सही है, लेकिन आप इसको ज्यादा महत्वपूर्ण देंगे. तो ये यहाँ एडवाइस की जगह ये भी एसई वाला की जगह सीई होना चाहिए. अब बात बनती है, जरा ध्यान दें. तो यहाँ पे आपने देखे कि यहाँ पे कि सलाह के अर्थ में यानी नाउन और नाउन वर्ब में दोनों में क्लियर. लेकिन यहाँ पे देखिए, द एडवाइस विच वॉज गिवेन मी, जो सलाह, जो एडवाइस मुझे फ्रॉम गाया से मिला है वो अच्छी नहीं है. मुझे गाया से सलाह मिला है या समाचार मिला है, कोई न्यूज मिला है ना मेरे भाई, तो एडवाइस में एस लगा के लाइएगा, तो इसमें एस लगेगा, तो इसमें एस लगता होगी तब इसका मतलब हो जाता है समाचार. द समाचार यानी द एडवाइसेस Which was given me from Gaya was not, जो मुझे रिपोर्ट मिला है, जो न्यूज मिला है गाया से, वो अच्छी नहीं है. तो ये सही होंगे, यानी एस लग जाता तो ये सही है, और एस लग गया तब ये सही है ना. तो आपको एडवाइस भी समझ में अच्छी तरह से आ गया. अब बारी आती है, अब सोच रहे होंगे कि एडवाइस यहाँ पे तो नाउन और प्रोनाउन की जगह, तो यहाँ पे कुछ नहीं भाई मेरे भाई. अगर जैसे ही यहाँ पे अगर एडवाइस का प्रयोग अगर सलाह के अर्थ में होते तो advised यूज करेंगे, और उसी का प्रयोग अगर समाचार के अर्थ में होते तो उसमें एस जोड़ के यूज करेंगे. तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं. उसके बाद अब बारी आती है किसका, अगला वर्ड क्या है? अब बारी है एयर. गंदगी, एयर का मतलब क्या क्या होता है? एक तो आपको पता है हवा, और इसका मतलब दिखावा भी होता है. दिखावा है ना, दिखावा. मेरा हिंदी थोड़ा वीक है. चलिए,
दिखावा यानी एयर का प्रयोग, जब हवा और दिखावा, जब हवा के अर्थ में यूज होते हैं तो ये ऑलवेज कैसा होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं, और वर्ब कैसा लेते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। लेकिन जब एयर में जैसे ही हम एस लगाते हैं तो वो दिखावा बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, दिखावा, ए आई आर एस, एस। जैसे ही हम एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, दिखावा बन जाते हैं। जैसे ऑल द पीपल, सॉरी ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के सभी लोग टेक ब्रीथ, सांस लेती है इन, आप हमको ये बनाइए, एयर होगा या एयर्स होगा, है ना। उसके बाद दिखावा है ना, राखी राखी, ध्यान दीजिए, ये हो गया। यहां पे क्या देखो सही होगा, राखी प्री टेंस, राखी प्रीटेंट, प्रीटेंस टू बी अ रिच ऑन एयर्स या एयर, राखी जो है वो धनी होने का बहाना करती है, ऑन एयर्स वो ऐसा है नहीं लेकिन वो दिखावा करती है। आपके बुक में शायद दूसरे तरह से एग्जांपल दिए होंगे, आपके बुक में एग्जांपल है कि मीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर, वो जितना है उससे ज्यादा अपने आप को दिखाती है, यानी मीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर, पुट्स ऑन द एयर, है ना। लेकिन हम आपको वो भी एग्जाम्पल लिख देते हैं कि मीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर या एयर्स, तीन सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस में आप जरा ध्यान से देखें। हम आपको बताए हैं कि एयर का प्रयोग हवा के अर्थ में भी होता है तो वो हमेशा सिंगुलर होंगे, तो ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के सभी लोग ब्रेथ, सांस लेती है एयर्स में या एयर्स में। आपको पता है कि एयर्स का मतलब दिखावा होता है, क्या होता है, दिखावा होता है, जबकि एयर का मतलब हवा होता है, तो हवा में सांस लेते हैं ना, तो एयर होगा, एयर होना चाहिए, एयर्स नहीं होगा। उसके बाद राखी प्रीटेंड, प्रीटेंड का मतलब बहाना करना, है ना। राखी बहाना करता है और रिच एक बहुत एक ढोंग करता है किसमें, रिच होने का, ऑन एयर्स दिखावटीपन में, लेकिन वो रिच है नहीं, वो रिच है नहीं, तो आप एयर लगाएंगे या एयर्स लगाएंगे, तो एयर्स लगाएंगे ना, ये एयर्स होगा, एयर तो होगा नहीं। उसी तरह आपके ये बुक का एग्जांपल है कि मीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर, क्या मीना जो हमेशा अपने आप को दिखाती है कि वो जितना है नहीं वास्तविक उससे ज्यादा दिखाती है, तो वो एयर्स यानी दिखावा करती है, तो एयर्स का प्रयोग होगा।
वो एयर का प्रयोग नहीं होगा। यानी आपने ऑलमोस्ट कहानी समझा कि एयर का मतलब, जैसे एयर का मतलब हवा होता है लेकिन हम उसमें एस जोड़ते हैं तो एयर्स हो जाता, और एयर्स का मतलब दिखावा हो जाता या दिखावती हो जाती है। तो इस अर्थ में आपने एडवाइस और एयर का देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है और ये नाउन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आपको समझ में आ गए हो, उसके बाद फिर से हम अब नेक्स्ट नाउन को पढ़ चलते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसको मिटा रहे हो गया। चल वीडियो को पॉज करके उसके बाद स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया। अब अगला नाउन जो है वो गुड है, कंपास है, उसके बाद रिस्पेक्ट। कौन कौन सा है? गुड है, उसके बाद कंपास। ये दोनों को हम देखते हैं, एक और ले ले, यहां इसको हटा दीजिए और यहां लिखिए कंपास और रिस्पेक्ट, है ना। ये तीन नाउन है, इसके बाद हम देखते हैं, इसको देखते हैं। आप ध्यान दें, एक बच्चे है, एक मेरे भाई एक बंधु ने कमेंट किया था कि गुड तो एक एडजेक्टिव है। हाँ मेरे भाई मेरे बंधु, गुड जो है एक एडजेक्टिव है, लेकिन साथ में साथ ये नाउन भी है। जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो इनका मतलब होता है अच्छा, क्या होते हैं? अच्छा होते हैं। लेकिन जब ये नाउन होते हैं तो भलाई के अर्थ में यूज होते हैं। किस अर्थ में? भलाई के अर्थ में यूज होते हैं। कहते हैं उन्होंने गरीब लोगों की भलाई किया, उसने गरीब लोगों की भलाई किया। ही हेल्प्ड द पुअर्स गुड, यानी वो लोगों ने गरीब लोगों को भलाई किया। तो भलाई के अर्थ में यूज होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं तो अच्छे के अर्थ में यूज होते हैं। लेकिन हम लोगों को यहां पढ़ना है नाउन, कि नाउन में हम गुड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो हम अक्सर इसको नाउन लेकर ही चलेंगे। जब गुड का प्रयोग अगर भलाई के अर्थ में होता है तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे, है ना, क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। लेकिन जब से ही हम गुड में अगर एस जोड़ देते हैं और ये बन जाता है गुड्स, और ये उसका मतलब होता है समान, क्या होता है? समान हो जाता है। जैसे अगर हम बोले कि हम लोगों ने अमित के भलाई है उनको हम तारीफ की, उनको हम लोगों ने बहुत ही गौर से देखे, जो उन दिनों वो काटते थे, है ना, तो वी, है ना, यानी वी ऑब्जर्व अमित। अब हमको ये बता, यहां पे गुड दे या गुड्स दे? जो ही spent इन In those days, जो उन्होंने उन दिनों काटी थी। हम लोगों ने अमित के उस भलाई की बहुत ही तारीफ किए, यानी अब्जॉर्ब किए, उन भलाई को हम बहुत ही अच्छे देखे थे जो उन्होंने उन दिनों काटी थी। जब इसमें और लंबे कर दे कि जब राहुल ने उनकी मदद किया था, तो इस तरह यानी हम गुड का प्रयोग भलाई के अर्थ में कर सकते हैं।
तो ये नाउन की तरह यूज होगा, ये नाउन की तरह यूज होगा, ना कि एडजेक्टिव के तरह। और गुड्स का मतलब समान हो जाता है, तो गुड्स तो होगा नहीं, होना क्या चाहिए, गुड होना चाहिए। अब हमको आशा है कि जो भाई मेरे बंधु बोले थे कि गुड का प्रयोग एडजेक्टिव है इसका मतलब अच्छा होता है, तो नहीं मेरे भाई, वो भी होते हैं और भला यानी नाउन के अर्थ में भी यूज होते हैं। समझ में आया? अब बारी आती है कि जब हम इनको एस जोड़ देते हैं यानी गुड्स, अगर नाउन के अर्थ में यानी समान के अर्थ में यूज होते हैं तो लिखेंगे कि मिस्टर राजू ट्रेड्स, मतलब व्यापार करना, बाय थिंग। मिस्टर राजू जो है वो अपना व्यापार किससे करता है, ऐसे है राजू ट्रेड्स ट्रांसपोर्ट की जाए, ट्रांसपोर्ट हीज गुड या गुड्स बाय ट्रेन। मिस्टर राजू जो है वो अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस से, बाय ट्रेन से। तो हमको ये बताएंगे वो अपने भलाई को ट्रांसपोर्ट करते हैं या सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट अपने सामान को करते हैं। हम आपको बताए हैं कि गुड में जब भी एस लगा देता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, इसका मतलब सामान होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, न कि गुड। तो आपको गुड में फर्क पता चल गया होगा कि गुड नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो हमको पढ़ना क्या है, नाउन पढ़ना है, उनको हम आशा करते हैं उनको जवाब भी मिल गया। अब आते हैं कंपास। कंपास का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, परिधि या सीमा, और ये इंस्ट्रूमेंट यानी एक उपकरण जो हम अजाबक्स जो हम लोगों के बचपन में जब से मैजिक में तो प्रकार जो होते हैं उनके अर्थ, उसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। देखिए वो इंस्ट्रूमेंट, वैसे इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकार क्या होते हैं, प्रकार भी होते हैं। जब कंपास से परिधि या सीमा का बोध हो तो वो कंपास ही रहते हैं, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, वो प्रकार बन जाते हैं, तब ये कंपास जो है वो कंपासिस बन जाता है, क्या बन जाता है, कंपासिस बन जाता है। तो आज से आप कंपास यूज नहीं करेंगे, कंपासिस यूज करेंगे, क्योंकि कंपास का मतलब परिधि आप सीमा हो जाता है, जबकि कंपासिस का मतलब इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट। कंपास इज अ मेजरमेंट टू स्केल लेंथ, लेंथ को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का उपकरण का यूज किया जाता है उसे कंपासिस करते हैं। जैसे एग्जांपल आप बुक में भी देख सकते हैं, आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि एन एंट हिल इज अ सिटी इन अ शॉर्ट कंपास। एक छोटे सी सीमा में एक एंट हिल है यानी चींटियों की बॉबी, छोटे पैमाने में एक शहर है। एक शॉर्ट कंपास है, शॉर्ट कंपास का मतलब एक छोटी सी सीमा है, एक छोटी सी सीमा है। जैसे हम इस एग्जांपल को हम यहां पे आपके सामने लिख देते हैं, एन एंट हिल, हिल का मतलब होता है खाए, एक जो से पहाड़ी जो होता है टूटी पहाड़ी खाड़ी जो होते हैं उस तरह के हिल को यूज करते हैं, है ना। एंड एंट हिल इज अ सिटी इन अ शॉर्ट कंपास। दूसरा एग्जांपल है,
कंपासेस आर यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ, है ना। ये हैं आपके दो एग्जाम्पल, जरा ध्यान दें। यहां पे हम आपको बताएं कि जब भी इस कंपास का प्रयोग हो, कंपास का मतलब ही होता है परिधि या सीमा होते हैं, लेकिन हम उसमें जब से ही हम एस या ईएस जोड़ते हैं, यानी एस या ईएस जोड़ के हम उसका पुलर बनाते हैं। तो ES जोड़ के हम इसको पुलर बनाते हैं, और कैसे कि किसमें क्या जोड़ते हैं, S जोड़ेंगे कि ES जोड़ेंगे, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि आप फिर से होता है जिस वर्ड के लास्ट में डबल S रहता है तो उसमें ES जोड़ के उसका पुलर बनाया जाता है। तो इसमें भी ES जोड़ के इसका पुलर बनाते हैं तो इसका मतलब प्रकार हो जाता है, यानी मेजरिंग मेजरमेंट इक्विपमेंट होता है, यानी उपकरण हो जाता है मापने के लिए। एक उपकरण होता है किस, क्या मापने के लिए, तो लेंथ मापने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी अगर परिधि या सीमा एक छोटे से दायरा सीमाओं के अर्थ में यूज होते हैं तो कंपास यूज होते हैं, लेकिन जब प्रकार के अर्थ में यूज होते हैं तो वो कंपासेस यूज होते हैं। जैसे एन एंटी हिल इज अ सिटी, एक एंटी हिल है, एक सिटी है, इन अ शॉर्ट कंपास, एक छोटी पैमाने पर, एक छोटी सीमा पर एक एंट सिटी है, छोटे सीमा। लेकिन जब इसका प्रयोग अगर मेजरमेंट यूनिट मापने के लिए किया गया है तो कंपासेस का यूज किया गया है। यहाँ पे कभी भी आप कंपास का यूज नहीं कर सकते। और ये कंपासेस हुआ तो ये पुलर बन गया, और पुलर के लिए आपको बताएं अगर वर्ब और सब्जेक्ट पुलर हो तो वर्ब भी कैसा लगे, पुलर लेंगे, लेकिन वो ए गुड में यहाँ पे गुड के करने लाइक नहीं होंगे। गुड वो सिंगुलर भी यूज होते हैं किस अर्थ में, तो भलाई के अर्थ में, लेकिन जब वो समान के अर्थ में यूज होते हैं तो पुलर हो जाएंगे, और वर्ब कैसा लेंगे, पुलर लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बारी है रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट का भी उसी तरह यूज होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। रिस्पेक्ट का मतलब होता है जब ये नाउन के अर्थ में यूज होता है, किस अर्थ में, नाउन के अर्थ में, नाउन के अर्थ में, यानी सिंगुलर रूप में होते हैं, तो इसका मतलब बन जाता है आदर, आदर या सम्मान। लेकिन जब इसका परिस में एस सी एस लगा के इसका पुलर बनाते हैं तब इसका मतलब जो कहते हैं ना, आप अपने पिता को मेरे तरफ से प्रणाम, है ना, यानी ग्रीटिंग, यानी शुभकामनाएं देना, शुभकामनाएं या प्रणाम, प्रणाम ये होते हैं इनका यूज। यानी जब भी आप रिस्पेक्ट का मतलब ही होता है आदर सम्मान, लेकिन आप जब इसमें एस जोड़ के इसका पुलर बनाते हैं तो शुभकामनाएं या प्रणाम इसका मतलब होता है, है ना। ये ध्यान दीजिए, यहां आप बुक में आप इसको गौर से देखिए, ये भी वर्ड काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, हम लोगों को अपने बड़े के प्रति अपने लिए आदर रखना, हम लोगों को बड़े के लिए आदर रखना चाहिए। यानी रिस्पेक्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है, क्या है, नाउन और वर्ब दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है। जब नाउन या वर्ब के अर्थ में होते हैं, किस अर्थ में, जरा ध्यान दीजिए, जब ये नाउन और वर्ब के अर्थ में यूज होते हैं, नाउन और वर्ब के रूप में होते हैं, तो ये रिस्पेक्ट ही होते हैं, है ना। लेकिन जब इसका मतलब शुभकामनाएं, प्रणाम या अभिवादन जो होते हैं उस अर्थ में होते हैं तो रिस्पेक्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे यहां पे कि वी शुड, एग्जांपल में दिया हुआ है कि वी शुड रिस्पेक्ट फॉर आवर, हम लोगों को अपने से बड़े के प्रति सम्मान रखनी चाहिए या करनी चाहिए। यहाँ पे हैव लगा देंगे, है ना, यहाँ पे हैव लगा देंगे, तो हम लोगों को अपने से बड़े के प्रति सम्मान रखनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है ना, किस अर्थ में, नाउन की तरह यूज है। ऐसे अगर हम बोलते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स,
तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स के ऊपर भी वहां पे सही था। यहां पे नाउन की तरह यूज हुआ तो वहां पे सिंगुलर ही यूज होंगे, है ना। लेकिन जब इनका प्रयोग अगर हम एस जोड़कर उसका प्लुरल की तरह यूज करते हैं तो ये उसका मतलब अभिवादन हो जाता है। जैसे अगर इसमें एग्जांपल दिया है कि प्लीज टेल मी माय रिस्पेक्ट टू योर फादर, प्लीज प्लीज कहा गया भाई, प्लीज टेल मी टिल टेल माय रिस्पेक्ट respect to your father, जाइए और अपने पिता को मेरे तरफ से मेरा प्रणाम और अभिवादन करना बोलना, मेरा प्रणाम बोला, है ना। अक्सर आप हम लोग क्या करते हैं जब कई अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब किसी कोई जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप अपने पिता को मेरे तरफ से मेरा प्रणाम कहिएगा, है ना। अक्सर यूज होते हैं। तो वही है मेरे भाई कि अगर हम अभिवादन प्रणाम या शुभकामनाएं के अर्थ में यूज करते हैं तो रिस्पेक्ट का नहीं रिस्पेक्ट का यूज कर रिस्पेक्ट्स क्या रिस्पेक्ट्स का यूज करेंगे ना कि रिस्पेक्ट का यूज करेंगे। यहां पे है कि वी शुड हैव रिस्पेक्ट, हम लोगों को अपने बड़े के प्रति सम्मान रखनी चाहिए, तो यहां पे रिस्पेक्ट की तरह यूज हुआ। तो आपको समझ में आ गया हो कि रिस्पेक्ट की कहानी क्या है। तो आज हम लोगों ने टोटली 7 नाउन्स को देखे हैं, बस आज यही पे रोकेंगे क्योंकि आपका वीडियो नहीं तो लेंदी हो जाएंगे, लेजी तो नहीं कर सकते हैं, बड़े हो जाएंगे, आप उब जाएंगे, है ना। तो वीडियो को यही रुकते हैं, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के रखें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और अपने वाले के पास भी शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम में हो या इंटर के एग्जाम में कोई भी स्टेट के इंटर एग्जाम हो, है ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के वो जो बिहार यानी जैसे मान लो इंटरमीडिएट एग्जाम हो, कोई भी इंटरमीडिएट एग्जाम हो किसी भी बोर्ड का, उसके लिए बहुत ही रामबाण होंगे, है ना। साथ ही साथ उन विद्यार्थी को सबसे बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, क्योंकि हम आपको इतना कहीं पे इतना नाम को जिक्र करके आपको कोई भी टीचर नहीं बता रहने जा रहे हैं। आपको 5 से 10 नाम बताते हैं और उसी में आपको कहते हैं कि बाबू यही इंपोर्टेंट नाम है और वहीं से आपका चैप्टर क्लोज कर देते हैं, लेकिन हम आपको पूरा टोटली बता रहे हैं, है ना। आपसे आग्रह कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे, जितने आपके घर में फोन होंगे सभी से करवाएंगे, है ना। प्लीज जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।